जो आप ब्राइटी देख रहे हैं, ये रूट M9 लगा हुआ है, इसमें जो ब्राइट लगी है इसमें ब्राइटी रेड कान है, क्योंकि रेड कान ब्राइटी में ज़्यादातर बीमे ही बन पाते हैं और इसमें हमें बीमे ही छाटने पड़ते हैं, क्योंकि M9 में फ्रूट क्वालिटी का आता है, क्योंकि इस ब्राइटी के लिए एक्स्ट्रा फीडिंग और ड्रिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की, इसलिए ये प्लांट छोटे ही रह पाते हैं, क्योंकि इनका जो प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस रहता है 1 फीट से 2 फुट तक लगा सकते हैं आप इनको, प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस जो होता है 1 से 2 फुट तक, 1 फुट में भी लगा सकते हैं, 2 फुट में भी लगा सकते हैं, रो टू रो का जो डिस्टेंस रहेगा 6 फिट, मतलब इसमें हमें सिर्फ बीमे की छांट करनी है, रेड कान जो वैरायटी है, बेसिकली जो वैरायटी M9 में जो वैरायटी लगा रहे हैं आजकल पॉलिनेशन की वैरायटी लगा रहे हैं से गाला में या ग्रेनी स्मिथ में, क्योंकि जो ये प्लांट है 2012 में आए थे इटली से, उस टाइम इसमें रेड कान लगा था, और 2012 के प्लांट आज 2023 हो गया, तो वहीं के वहीं एक फ्रूट तो क्वालिटी का था इसमें, पर जो पौधे का जो सेब बनती है वो ज़्यादा नहीं बन पाती है, फिर भी इतने अगर प्लांट से हाफ पैक के 2 बॉक्सेस निकल जाते हैं, 20 किलो सेब निकल जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, इसकी वजह से चले हुए, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें बीमे की छांट करनी है, क्योंकि जिस वैरायटी में जितने ज़्यादा बीमे बनते हैं उस वैरायटी के लिए फीडिंग और पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और सबसे ज़्यादा खतरा स्केल का रहता है, जिस वैरायटी में ज़्यादा बीमे बनते हैं उस वैरायटी में ज़्यादा स्केल आती है, क्योंकि हमें इसमें बीमे ही चाहिए, बीमा हेल्दी होना चाहिए, सिर्फ बीमे की छांट करनी है हमने, और वैरायटी ज़बरदस्त है, और जो फ्रूट भी इसमें क्वालिटी के आते हैं, सबसे अच्छी वैरायटी M9 में बनती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पर बनता है, कहीं कहीं तो ग्रोथ भी आ जाती है, पर जहाँ ग्रोथ आती है वहाँ फिर बीमा नहीं बन पाता है,